जीवन में जो कड़वी बातें हो जाए प्लीज उन्हें भूलने की आदत डालिए। जीवन में कड़वाहट किसकी जिंदगी में नहीं आती, जीवन में अशुभ योग किसकी जिंदगी में नहीं आते, जीवन में विपरीत वातावरण किसकी जिंदगी में नहीं बनता। जरा एक बात बताओ, अरे अपने साथ तो हुआ ही क्या, एक बार कल्पना करो। सीता कौन थी बोलो तो? लक्ष्मी का अवतार। सीता कौन थी? रघुकुल की महारानी। सीता कौन थी? जनक नंदिनी। सीता कौन थी? भगवान की पत्नी। अब जरा कल्पना करो तो, पैदा होने के लिए रामायण कहती है उन्हें मां की कोख न मिली, जमीन को फाड़ कर आना पड़ा। शादी हुई तो खुशियों का बैंड भी न बजा कि परशुराम बैंड बजाने पहुंच गए। शादी करके अपने ससुराल 4 दिन सुख से न जी कि मंथरा और कैकेयी प्रकट हो गई। पति का साथ निभाने के लिए जंगल में गई तो रावण प्रकट हो गया। रावण के चंगुल से निकल कर आई तो अग्नि प्रकट हो गई। अग्नि परीक्षा में निकल कर आई तो धोबी प्रकट हो गया। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ सब लोग, हर भाई हर बहन अपनी जिंदगी को एक बार तोल लो कि अगर मुसीबतें जिसे हम जिंदगी में कहते हैं, अरे हमारी जिंदगी में मुसीबतें आई क्या है। हम में से कोई दावा नहीं कर सकता कि मैंने सीता की जिंदगी में जो मुसीबतें आई उसका 1% में मुसीबतें जिंदगी में झेली। हम में से कोई पुरुष दावा नहीं कर सकता कि जितनी साधना में तकलीफें भगवान महावीर ने उठाई उसका 1000वां हिस्सा भी हम में से किसी ने नहीं झेला, किसी ने नहीं झेला। पर जरा देखो तो सही, मां की कोख नहीं, परशुराम आ गया, कैकेयी प्रकट हो गई, रावण प्रकट हो गया, अग्नि प्रकट हो गई, धोबी प्रकट हो गया, सीता को फिर वनवास जाना पड़ा, रघुकुल की महारानी को, भगवान की पत्नी को, लक्ष्मी के अवतार को, अपनी संतानों को जन्म देने के लिए किसी ऋषि के आश्रम में जाकर शरण लेनी पड़ी। हमारी हालत उसे बोलो अच्छी, शाबाश, बहुत अच्छी। हम में से हर महिला के साथ ऐसा नहीं हुआ जैसा सीता के साथ हुआ, पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं इतना कुछ होने के बाद भी सीता के मन में शांति थी, चेहरे पर मुस्कान थी और अंतर मन में औरों के प्रति पवित्र भावना थी। मैंने इसलिए कहा जीवन में बुरा वक्त तो कभी भी किसी के साथ जीवन में आ सकता है, लेकिन बुरा वक्त आने के बाद भी जब वक्त बीत गया, हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमा से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। उसने आपकी जमीन दबा ली, नो प्रॉब्लम, जो मेरा है वो जाएगा नहीं और जो चला गया वो मेरा आई नहीं। किस बात को लेकर मन में विषाद कर रहे हो और किस बात को लेकर मन में पीड़ा कर रहे हो? आपने 5 लाख किसी को दिए थे यह सोचकर कि बुढ़ापे में 5000 रुपया महीना आता रहेगा तो पति पत्नी दोनों सुख से रोटी खाते रहेंगे। मेरे भाई, नियत को बिगड़ते कोई वक्त नहीं लगता। बड़े बड़ों की नियत बिगड़ जाती है और सामने वाले ने आपके 5 लाख दबा लिए, चिंता मत करो, ऊपर वाले की व्यवस्था बड़ी गजब की होती है, वो 99 द्वार बंद करता है तब भी जिंदगी में एक द्वार जरूर 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 खुला रखता है। 99 बंद द्वारों को देखना इसका नाम है विषाद, और खुले एक द्वार की तलाश करना इसका नाम है जीवन का प्रसाद। भूल जाओ किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, कब तक उसकी गांठ मन में बांधे रखेंगे। किसी ने आपके 2 लाख डुबो दिए, अरे रुपये गए सो गए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी नींद और चली गई, आपकी शांति और चली गई, आपकी मुस्कान और चली गई, आपके सुख की रोटी हाथ से चली गई। रुपये गए सो गए, जाए भाड़ में, अरे सबके रुपये जाने ही हैं। आदमी जन्म लेता है ना तो लंगोट माँ पहनाते, उसमें जेब नहीं होता, होता है क्या? और आदमी मरता है ना तो घर वाले कफन उड़ाते हैं, कफन में जेब नहीं होता। पर आदमी कितना मूर्ख होता है, जन्मने पर लंगोट में जेब नहीं, मरने पर कफन में जेब नहीं, और जिंदगी भर जेब 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 भरने में ही लगा रह जाता है। सबको छोड़ना है, सबको जाना है, छूट गया सो छूट गया, चला गया सो चला गया। जीवन का मंत्र याद रखो, जो मेरा है वो जाएगा नहीं और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं।